यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सलवार में प्लेट डालने का और बेल्ट अटैच करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। अगर आप बिगिनियर हैं तो आप इस वीडियो को देख के बहुत ही आसानी से अपनी सलवार में प्लेट डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप कटिंग की वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सलवार के दोनों साइड के बीच के पार्ट्स हैं और ये हमारी सलवार की दोनों साइड की चार कली हैं और ये बेल्ट है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी पूरी स्टिचिंग बताऊंगी। सबसे पहले तो हम कली और पार्ट्स को जॉइंट करेंगे। तो एक साइड की दो कली हम हटा देंगे और ये हमने एक साइड की दो कली रखी हैं। अब हम एक साइड का जो बीच का पार्ट्स है वो भी हम निकाल देंगे। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम एक साइड की कली लेंगे और यहाँ से हम बीच के पार्ट्स को ऐसे मिलाएंगे और इस पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद में देखिए, हम फिर इसको ऐसे मोड़ के रखेंगे और इस वाली कली को हम इसमें ऐसे रखेंगे। और इसमें भी हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद देखिए, एक साइड की जो कली और पार्ट्स हैं वो हमारी जॉइंट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब जैसे मैंने आपको ये बताया है, इसी तरीके से हम इन दोनों कली और पार्ट्स को जॉइंट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इनको जॉइंट कर लेते हैं। एक कली मैंने इसमें जॉइंट कर ली है, अब मैं दूसरी वाली कली को भी इसमें जॉइंट कर लूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपनी एक साइड की दोनों कली और पार्ट्स जॉइंट कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड की कली और पार्ट्स भी जॉइंट कर लिए हैं, ये देखिए। अब इसके बाद में देखिए, हम इनको ऐसे खोलेंगे और इस तरीके से हम इसको बिछा लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम बैक वाले आसन पे सिलाई लगाएंगे। ये बैक वाला आसन है तो इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक वाले आसन पे सिलाई लगा ली है, ये आप देख सकते हैं। अब बैक साइड में हम दो प्लेट बनाएंगे। तो एक प्लेट हम इस साइड से बनाएंगे और एक प्लेट हम इस साइड से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3-3 इंच पे निशान लगाए हैं। अब हम इनको ऐसे यहाँ पर प्लेट्स बना लेंगे और इसमें हम ऐसे पिन लगा देंगे और एक प्लेट हम इस साइड से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड में हमने दो प्लेट बना ली हैं और मैं हमेशा अपनी सलवार में दो प्लेट ही बनाती हूँ। इसके बाद हम ये बेल्ट लेंगे। तो ये बेल्ट का बीच सेंटर है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो बीच सेंटर है इसको हम बैक साइड में रखेंगे जो जॉइंट है, और खुले वाला भाग है इसको हम आगे की तरफ रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको ऐसे मिला के रखेंगे और सिलाई के लिए हम एक पैर का मार्जिन ऊपर रखेंगे इसमें। और यहाँ पे हम ऐसे कट लगा देंगे दोनों साइड में। और इसके बाद हम यहाँ पर चौक से मार्क भी कर लेंगे, ये देखिए। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सलवार की सीधी साइड है।
तो ये बेल्ट की जो सीधी साइड है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे, और यहाँ से हम इसको ऐसे मिलाते हुए यहाँ से लेके और यहाँ तक हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सिलाई लगा ली है, या आप देख सकते हैं, और ये हमारी बेल्ट अटैच हो गई है। बैक साइड में हमने दो प्लेट बनाई हैं, आप देख सकते हैं पटियाला सलवार में हम हमेशा दो प्लेट ही बनाते हैं। अब हम इसमें आगे की तरफ प्लेट बनाएंगे, जो ये कपड़ा बचा है इस पूरे कपड़े की हम आगे की तरफ प्लेट बनाएंगे। तो प्लेट का हम रुख इस तरफ रखेंगे, ये मैं बिगिनियर्स के लिए बता रही हूँ जिनको प्लेट डालने में दिक्कत आती है, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है तो संभालने में दिक्कत आती है और प्लेट एक जैसी नहीं बनती हैं, तो बार बार हमको जो ये बेल्ट है ये उधेड़नी पड़ती है और फिर प्लेट डालनी पड़ती है। अब हम बेल्ट को ऐसे नापेंगे, देखिए थोड़ा बहुत हमारा ये कपड़ा बढ़ता है तो हम इसको ऐसे अंदर की तरफ कर सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारी जो बेल्ट है एकदम बराबर आ जाएगी और फिर हमारी जो ये प्लेट है ये एकदम ओके हो जाएंगी। अब ये हमारी प्लेट एकदम ओके हैं, अब इन पे हम थोड़ी सी प्रेस लगाएंगे ताकि हमारी प्लेट यहीं पे जम जाएंगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको बेल्ट वाली सिलाई बार बार नहीं हटानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम इस पे सिलाई लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम उस वाली साइड की प्लेट भी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इस साइड की प्लेट भी बना ली है, तो इस साइड की प्लेट मैंने इस तरफ बनाई है और इस साइड की प्लेट मैंने इस तरफ बनाई है, आप देख सकते हैं। अब हम अपनी बेल्ट को ऐसे रखेंगे और आप चाहें तो इस पे पिन लगा सकते हैं या फिर सुई से मोटे मोटे टांके लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आप इस पे मशीन से सिलाई लगा लें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, यह आप देख सकते हैं, और ये हमारी एक साइड की प्लेट्स हैं, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर और कितनी बिल्कुल बराबर हमारी प्लेट बन के आई है। इसके बाद मैं आपको दूसरी साइड की प्लेट दिखा दूँ, ये हमारी दूसरी साइड की प्लेट्स हैं, यह आप देख सकते हो। अब इसके बाद में हम यहाँ पे एक बैठने वाली सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई भी कंप्लीट कर ली है, अब मैं इसके जो आगे वाला आसन है इसको भी जॉइंट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे देखिए हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और यहाँ से हम इसको खुला रखेंगे, जो हम डोरी डालने के लिए नेफा बनाएंगे उसके लिए हम जगह छोड़ेंगे। यहाँ से हम इसे सिलाई लगाएंगे और फिर हम मशीन को उठा के जो हमने आगे मार्क किया है वहाँ पे रखेंगे। और इसके बाद में मैं इसको ऐसे खोल के रखूँगी, ये देखिए, और इस कपड़े को दोनों तरफ मोड़ के और यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये डोरी डालने के लिए नेफा बन जाएगा। अब हम इसको यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे और एक बार यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे, यानी कि हमको दो बार ये फोल्ड करना है, एक बार थोड़ा सा फोल्ड करना है, उसके बाद हमको 1 से 1.5 इंच का फोल्ड करना है। 1.5 इंच का ही फोल्ड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम इस पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। तो यहाँ पे हम आसन पे बैठने वाली सिलाई भी लगा लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स ये हमने अपनी सलवार में प्लेट डाल के और बेल्ट अटैच करके कंप्लीट कर ली है। फ्रेंड्स मैंने आपको पूरी स्टिचिंग दिखाई है, इसकी जो मोहरी है वो मैंने सिंपल ही बनाई है, इसलिए मैंने मोहरी की वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो फ्रेंड्स ज़्यादा दिक्कत आपको प्लेट डालने में और बेल्ट अटैच करने में ही आती है। तो आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही
इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं अपने डिजाइन की शॉर्ट वीडियो डालती हूँ और वहाँ पे कोई अर्जेंट सवाल भी आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।